हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकुत पूनम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ पनीर चीज़ सैंडविच की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फ्रेश पनीर लिया है, तो पनीर को इस तरह से हाथों से हल्का हल्का तोड़ लेंगे। तो आप चाहें तो पनीर के आप छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसे तोड़ के यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है पनीर। तो इस तरह से सारे पनीर को तोड़ लेंगे। तो ये हमारा पनीर हो गया है। इसके बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, प्याज के साथ इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, टमाटर डालने के साथ इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। इसके बाद इसमें जाएगा नमक स्वाद के अनुसार, चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर और इसमें डालेंगे एक चम्मच ओरिगेनो, और इसके बाद इसमें जाएगा दो चम्मच टमाटर का सॉस। तो ये मैंने सॉस डाल दिया और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद यह हमारा स्टफिंग हो गया है रेडी। यहाँ पे मैंने स्लाइस ब्रेड लिया है। तो ब्रेड को आप कोई कुकी कटर या फिर ग्लास की सहायता से आप इसे गोल शेप में कट कर लें। आप चाहें तो बिना इसे कट किए भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से इसे गोल शेप में कट कर ले रही हूँ और इसी तरह से सारे ब्रेड को कट कर लेना है। तो ये हमारा ब्रेड कट चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कुकी कटर। तो इसे आप रिंग की तरह कट कर ले। तो ये हमारा रिंग हो गया है रेडी। तो ब्रेड के ऊपर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस होममेड है और इसे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। तो ये मैंने इसे फैला दिया है। फैलाने के बाद इसके ऊपर रखेंगे रिंग। तो ये ब्रेड की रिंग रख देंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसके बाद मैंने इस तरह से सभी को रेडी कर लिया है। तब इसके ऊपर स्टफिंग भरेंगे पनीर की। तो इस तरह से सभी के ऊपर पनीर भर के रेडी कर लें। तो हमारा पनीर भर चुका है। तब यहाँ पे मैंने चीज़ लिया है, तो चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। तब इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। तो जितना आपको चीज़ पसंद है उतना आप इस पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चीज़ डाल दिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स की जगह पे आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया है और इसे रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से बेक हो जाए। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं सेम टाइम जिस तरह से आप केक बेक करते हैं। तो इसके ऊपर ऑयल से ब्रश करेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह आप मिल्क से भी वॉश कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऑयल से ब्रश कर लिया है और इसके बाद इसे बेक कर लेंगे। तो ये हमारा पनीर चीज़ सैंडविच हो गया है रेडी। और आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।